जय हिंद, जय भारत। मैं रविंद्र फौजी, आज आपसे मैं जिस घटना का जिक्र कर रहा हूं, यह है 18 बिहार की। 18 बिहार के सीओ टीपीएस हुंडल, जो अपने आप को रेजिमेंट का बॉस बॉस बोलता है और उसको बॉस बनाया है उसी रेजिमेंट के कैप्टन नीतीश यादव, जो अर्जुनेंट की ड्यूटी कर रहे हैं, और सुबेदार मेजर महेश यादव, जो पूरी रेजिमेंट को डरा और धमका के रख रहे हैं। और जवानों को एसएम साहब, जो उसके बिल्कुल खास समझे बने हुए हैं, वो बोलते हैं कि ये सीओ नहीं, बॉस हैं, तुम्हारे बाप हैं। जवानों को ये बोला जाता है। और मैं ये बता देना चाहता हूं टीपीएस हुडल साहब को भी, और जो बाकी सीओ भी कमांड कर रहे हैं, आप सभी के लिए मैं कहना चाहता हूं कि आप भी गवर्नमेंट सर्वेंट हो, और जो रेजिमेंट में कल जवान आया है वो भी गवर्नमेंट सर्वेंट है। जो भी सीओ अगर अपने आप को मानता है कि मैं रेजिमेंट का बॉस बन गया, तो इस खोपड़ी से निकाल देना। रेजिमेंट का बॉस कोई नहीं होता, आप भी गवर्नमेंट सर्वेंट हो, वो भी गवर्नमेंट सर्वेंट है। आपको ड्यूटी दी गई है कि आप रेजिमेंट की कमांड करो, एडमिनिस्ट्रेशन संभालो और जवानों का वेलफेयर करो, और उनसे सरकारी ड्यूटी लो, ना कि आप अपनी निजी ड्यूटियों के लिए, अपने निजी फायदे के लिए जवानों को तंग करें। बाकी सभी जितने भी हैं वो भी सुन लें। बॉस बॉस उसको बोला जाता है, जैसे टाटा बिरला रिलायंस इनके मालिक हैं, और वो मालिक अपनी खुद की पेमेंट से उनको पैसा देते हैं वर्कर्स को। तो जो वर्कर्स होते हैं या सिविल में जितनी भी जॉब होते हैं, जो खुद मालिक उनको पैसा दे रहा है, वो वर्कर उसको बॉस बोलते हैं। तुम ना तो अपनी सैलरी से किसी जवान को पेमेंट दे रहे हो, ना तुम्हारे बाप की अकाउंट से या उससे किसी को पैसा दे रहे हो। तो जो अपने आप को बॉस मानते हो, बॉस कहना छोड़ दो। चाहे उस रेजिमेंट के सीओ हो, ब्रिगेड कमांडर हो या मेजर जनरल, जनरल तक कोई भी आर्मी का बॉस नहीं है। आर्मी में सभी जो सेवा कर रहे हैं, भारत माता के लिए लड़ाई लड़ते हैं और देश सेवा का जज्बा रखते हैं, वो चाहे कल भर्ती होने वाला रिक्रूट हो और चाहे लास्ट सीढ़ी पर बैठा जनरल साहब हो। तो ये चीजें अपने ख्याल से निकाल दो। हमारा सर्वोच्च कमांडर जो राष्ट्रपति जी हैं, वो भी सेना का मालिक नहीं है। अगर वो भी सोचें कि मैं मालिक, मालिक कोई नहीं है, देश की गवर्नमेंट है। गवर्नमेंटें भी आज किसी बीजेपी की है, कल कांग्रेस की होगी, वो भी बदलती रहती हैं। इसलिए मालिक बनने की कोशिश मत करो। जनता के पैसे से गवर्नमेंट बनी है, और गवर्नमेंट के वो जनता के पैसे ही जवानों को दिया जाता है, और ये जवान जनता के पैसे ले रहे हैं और देश सेवा का जज्बा लेकर देश सेवा कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो सभी को कहना चाहता हूँ, बॉस बनना छोड़ दो। अब इस बॉस की आपको कुछ घटनाएं बता देना चाहता हूँ कि ये बॉसगिरी क्या कर रहा है। सबसे पहले इसकी घटना है हवलदार केडर में। केडर में जो केडर कर रहे हैं हवलदारी का, ये अपनी मर्जी से जिसको पास करना है उसको पास करता है। मेरे को कहीं से नॉलेज मिला है कि इनका हवलदारी केडर चला, जो बंदा बिल्कुल फिट फॉर था और हर चीज में एक्सीलेंट था, पास था, उसको पास ना करके जो बंदे फेल थे, ऐसे बंदे को जेसीओ के लिए प्रमोट कर दिया। जो कि जैसे आपने सुना होगा, सहायक, जो जूते पॉलिश करने वाले, झाड़ू पोछा लगाने वाले, ये जो शुरू से सहायक रहते हैं, वो जाके ब्रिगेड कमांडर या जीओसी के पास, इन सहायकों का भी एक ऊपर हेड होता है, वो हवलदार जो ड्यूटी करता है। क्योंकि मैंने भी एक बार मऊ में देखा था, एक मेजर जनरल के साथ एक हवलदार जी आता था, ऑन ड्यूटी था। हवलदार के बाद वो जेएसओ बन गया था, तभी उसी के साथ रहता था। बोले पहले मैं सहायक ही करता था, फिर हवलदार बना तो इनका कमांडर बन गया, अब जेएसओ बन गया तो मेजर जनरल के जितने भी सहायक सुवेक थे उनको ऊपर वो देख रेख करता था, यानी ड्यूटी वही सहायक करता। तो उसी तरह ये भी जो ग्राउंड में फिट थे उनको फेल करके, और जो जेओसी का या किसका एक हवलदार था जो अनफिट, जिसको ना लिखना, नाम भी लिखना नहीं आता था, वो उनको पास कर दिया और इस हवलदार को फेल कर दिया। जब हवलदार जी ने रिपोर्ट की, जगह जगह लेटर भेजे, तो उसको धमकी दे दिया कि तेरे को मेंटल 10 नंबर का फार्म भरूंगा और घर भेज दूंगा, ज्यादा करेगा तो। और इसमें डराने वाला है वो सुबेदार मेजर महेश यादव, वो डवानों इनको डरा रहा है हवलदारों को कि अगर मुंह खोलोगे तो तुम्हारा 10 नंबर भर के और घर भेज दिए जाओगे, इसलिए चुपचाप नौकरी कर लो। उनकी किसी की पोस्टिंग कर दी, किसी की जो मुंह खोले उनको डरा दिया, इसलिए वो बेचारे चुप हैं, कोई मुंह नहीं खोल रहा है। दूसरा किस्सा इसका, एक नाइकी केडर चला। नाइकी केडर में एक जवान तिवारी,
जो सबसे उसमें फिजिकल में रिटर्न में सबसे बेस्ट लड़का था और उसका सिलेक्शन नहीं किया इसने। चार और लड़के थे उनका सिलेक्शन भी नहीं किया। इनके जो खुद का हेल्पर या वो अर्जुन का हेल्पर, एसएम साहब के हेल्पर जो हेल्पर ही कर रहे हैं, बूट पॉलिश कर रहे हैं, उनको पहले प्रमोट कर दिया। उन लड़कों को फेल करके बोलता है तुम अगली बार बनोगे। जब उन लड़कों में शुरू में चार लड़कों ने कहा कि सर हमें किस वजह से फेल किया गया हमें बताया जाए, तो बोला ठीक है। वह एसएम साहब बोला तुम्हें बताते हैं, आ जाओ ऑफिस में। उनको ऑफिस में बुलाकर ये तीनों अर्जुनेंट और वो एसएम और सीओ ने मिलकर उनको कुटाई की। उसके बाद जो अपना पंडित है तिवारी जी, उसको उसने भी ऑब्जेक्शन किया कि सर मैं भी पास था। बोले तू भी आ जा। उसको मारा कूटा, उसने बाहर आ गया। उसके बाद उसने ब्रिगेड कमांडर को फोन कर दिया कि कमांडर साहब ऐसे ऐसे बात है और मैंने 16 साल उसकी सर्विस कंप्लीट होगी। बोले सब मैं 16 साल कंप्लीट होगी, लास्ट में भी कैडर किया था, मैं पास था, मेरे को फेल भी कर दिया और मैंने कहा तो मेरे को मारा कूटा। और चार लड़के तो चुप हो गए। एक ने इसने कमांडर को रिपोर्ट कर दी, तो कमांडर उसका कोई रिलेटिव रिलेटिव है क्या है। कमांडर ने उल्टा सीओ को फोन किया कि देख तेरा जवान मेरे पास फोन कर रहा है, उसको संभाल, उसको अच्छी तरह सबक सिखा। इन्होंने फिर उस जवान को बुलाया और जो कमल नयन तिवारी उसको इतना मारा कूटा बुरी तरह, मैं आपको उसके एविडेंस भी आ रखे हो भेज सकता हूँ, लेकिन अभी नहीं, कार्रवाई होने के बाद ही, वो नेक्स्ट वीडियो में या जब भी जरूरत होगी तो सारे उसके पिटाई के रिकॉर्ड है सारे भेज दूंगा। उसको इतना मारा कूटा जो सीसीटीवी कैमरे लगे उसमें सारी फुटेज वगैरह थी। उसको मार कूट कर जब बिल्कुल बेहोश होने लगा, जब बाहर कर दिया, उस जवान ने जब मेडिकल के लिए मांगा कि सब मेरे को, मैं मर जाऊंगा, मेरे को मेडिकल एम्बुलेंस लिए जाने दो, तब इन्होंने ब्रिगेड कमांडर को फोन किया कि ऐसे ऐसे इसका है, बोला कहीं मत भेजो उसको। फिर उस लड़के ने कहीं से जेओसी का नंबर लेकर फोन किया और एमएचएम बताया इधर उधर से, तब जाकर उसको एमएच भेजा, वो भी 3 दिन बाद। 3 दिन बाद वो एमएच गया। उसके जब तक ये घाव घूव ठीक हो गए थे, उसके बाद में उसके घाव थे जिसने उसने फोटो खींच रखी रखी हुई है, एमएच में गया, एमएच में उसने सारी कहानी बताई। तो वहां भी उसको सेटिंग करके, इनकी सब वही कहानी है कि अफसरों की सब सेटिंग शूटिंग करके उसको वापस बुला लिया। उसके बाद उस जो एसएम साहब ने उसको ट्राई किया आगे से ठीक नौकरी कर ले, नहीं तो दोबारा, तो उसने आर्मी हेडक्वार्टर में लेटर लिख दिया, पीएमओ को लेटर लिख दिया। अब मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि आपके पास लेटर जा रहे हैं जवानों के, आप क्या एक्शन ले रहे हो? आप उसको वापस आर्मी हेडक्वार्टर में भेज देते हो, आर्मी हेडक्वार्टर से वापस सीओ के पास आता है, सीओ ने फिर उसको बुला लिया, बोला तूने ऐसे ऐसे लेटर भेजा, ये भेजा, अब उस पर कार्रवाई कर रहा है कि तू ओवरवेट है, और ओवरवेट में उसका मेडिकल करा के, बोले इसको वो लेटर की कार्रवाई करने से पहले इसका ओवरवेट का लेटर कराओ और इसको घर भेजो। अब उसको ओवरवेट बना बनो के और रिकॉर्ड में कहीं से लाइज मार के और उसका पेलसिन का कागज मंगा लिया कि तू पेलसिन जाएगा। यानी वो 1 साल उसकी बची हुई है, नायक बनना तो दूर, उसको जो साल भर सर्विस भी नहीं करने दे रहा, बोला कि देख मैं तेरा क्या करता हूँ। तो ये तानाशाही करना यार, आप कुर्सी आपको मिली हुई है कमांडिंग ऑफिसर की और आप उसमें एक नाजायज फायदा उठा रहे हो, आपस में दुश्मनी निकाल रहे हो, और क्या देश सेवा करोगे आप? जवान से अगर छोटी मोटी पहली बात तो कोई गलती होती नहीं, हो भी जाती है तो उसको आप माइंड में इतना ले लेते हो कि उसको निजी दुश्मनी निकालते हो। थोड़ा बहुत आप लोगों को शर्म, एजुकेशन है तो है, शर्म भी है कि नहीं कि कम से कम उस निजी दुश्मनी को आप साइड में रखें। एक रेजिमेंट, एक यूनिट, आपस में आप लोगों का घर होता है, परिवार होता है, उस परिवार में छोटी मोटी बातों में आप इस तरह कर देते हो। अगर किसी ने शिकायत कर दी तो उसको इस तरह खींचातानी करोगे कि उसको घर भेजने की नौबत आ गई। अब उस जवान का इन्होंने दोबारा फिर मारापीटी भी की। जब उसने रिपोर्ट की, जगह जगह पीएमओ से लेटर आया, उसको बोलते हैं कि ओवरवेट है और ऐसा ऐसा फंसा के उसको घर भेज रहे हैं। अब उस जवान को रिसेटलमेंट में भेजा था, वहां उसने अपनी सारी दोबारा लेटर लूटर लिखे, चिट्ठी उट्टी लिखी कि कम से कम मेरे को 8-9 महीने नौकरी तो कराई दी जाए। तो कभी उसको बोल रहे हैं कि डायरेक्ट तू सेंटर में रिपोर्ट कर दे, तेरे कागज वहां भेज दिए गए, तू पेंशन जाएगा। कभी बोलते हैं उसको रेजिमेंट में भेज दिया जाएगा, मतलब उसको गुमराह कर रखा है और उसकी ये हालत कर रखी है कि वो वार रेजिमेंट में जाएगा तो उसने पहले भी लिख के दिया था कि हो सकता है उसको जान से मार दें। तो मैं हमारे 18 बिहार के सीओ साहब और जो उनके ब्रिगेड कमांडर हैं जो कर रहे हैं आर्मी हेडक्वार्टर से, अपने विपिन रावत साहब को मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई करो जो इस तरह जवान से निजी दुश्मनी निकाल रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं प्रमोशन में और उसमें। अब इनके राशन पानी और ये चीजें तो बदल होने रही, जहां से इनको प्रॉफिट मिलता था, अब ये प्रमोशन के नाम पर पैसे खा रहे हैं, पोस्टिंग के नाम पर पैसे खा रहे हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखा जाए, सीनियरिटी से प्रमोशन करो और जो पोस्टिंग ऑर्डर है वो लॉटरी सिस्टम में किसी से निकालो कि इनके पैसे खाने बंद हों।
और वो जवान जिसको घर भेज रहे, 1 साल की नौकरी कराई जाए। मैं इस वीडियो के माध्यम से प्रधानमंत्री जी से भी कहना चाहता हूं कि आपके पास तक जब जवान कोई चिट्ठी डाल देता है तो उसके एक्शन आप खुद लो या उसका सिविल कोर्ट में केस चलाओ। और ऐसे जो नाजायज तंग करने वाला सीओ, जिनका खुद मेंटल चेकअप कराओ कि ये खुद मेंटल तो नहीं है, और या फिर इनको घर भेजा जाए। और किसी रेजिमेंट का अगर ऐसा कोई सीओ अपने आप को बॉस मान रहा हो या इस तरह की हरकत कर रहे हो तो आप जरूर बताएं, ताकि इनको जनता के सामने इन चीजों की, लोगों की जो काला चिट्ठा उजागर तो हो कि ये अंग्रेजों से भी ज्यादा तानाशाही कर रहे हैं, अंधा पैसा भी कमा रहे हैं। मैं कह रहा हूं एक बार इनकी संपत्ति की जांच कराई जाए अधिकारी और नेताओं की, तो देश का 50% पैसा इनकी तिजोरी में निकलेगा। और ये समय आ रहा है, मैं पहले भी बताया था कि बुराई का अंत निश्चित है और वो होगा। इसलिए समय रहते सुधर जाओ, आपसी दुश्मनी करना, छोटी छोटी बातों पर जवानों को मारपीट करना छोड़ दो। आम जनता, ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए इन चीजों को शेयर कर दिया करो। और जोर शोर से मीडिया को कहता हूं, जो कभी सलमान खान खाना क्या खाया कि नहीं खाया, एक दिन जेल में चला गया, पूरी मीडिया बड़वे की तरह वहां पहुंच जाती है, तो ऐसे कांडों में पहुंच जाओ। जैसे कि एक मैं वो नमोयाला केस चला रहा हूँ जिसमें 92 जवानों को घर भेज दिया गया, उसकी कोई मीडिया भी आगे आकर कुछ नहीं बोले रहा। तो मीडिया से कहना चाहता हूँ ऐसे केस को उजागर करे हमारे सुप्रीम कोर्ट। इस तरह के निर्णय को जो आपने आर्मी कोर्ट खोल रखे वहां नहीं सुधरेगा। आप खुद एक्शन लो और इन लोगों को सबक सिखाओ। जय हिंद, जय भारत। आगे की जो भी कार्रवाई होगी आपको बताते रहेंगे।